जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रसिद्ध मंदिर निर्माणकर्ता और स्थान। अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हाल ही में एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिर, उसके निर्माणकर्ता और स्थान, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं साथ साथ में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बृहदेश्वर मंदिर, पूछा गया है तो बृहदेश्वर मंदिर कौन से राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कौन से राज्य में। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु के तंजौर राज्य में है। बात करें अगर बृहदेश्वर मंदिर से तो यह तमिलनाडु के तंजौर राज्य में है। इसके निर्माणकर्ता जो है तमिलनाडु तंजौर के ग्यारहवीं सदी में चोल शासकों द्वारा प्रथम राजा राज चोल ने करवाया। या जो मंदिर का निर्माण हुआ 1003 से 1010 ईस्वी में हुआ। अगर यह विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर में है, जो सिर्फ की 80 टन के ग्रेनाइट टुकड़े से बनाएगा एकमात्र टुकड़ा जो 80 टन का था ग्रेनाइट के टुकड़े से बनाया गया है। या राजेश्वर मंदिर, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कौन से राज्य में। तो मीनाक्षी मंदिर भी आपके तमिलनाडु के मदुरई में है। अगर मीनाक्षी मंदिर से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। इसके जो निर्माणकर्ता है पंडियन राजा कुलशेखर ने 6वीं शताब्दी में कराया। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में द्रविड़ वास्तुकला में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और हाल ही में चर्चा में रहा सबरीमाला मंदिर कौन से राज्य में है। तो सबरीमाला मंदिर जो है वो आपका है वो केरल राज्य में है। बात करें सबरीमाला मंदिर की तो यह केरल के पंपा में है। इसके जो निर्माणकर्ता हैं सबरीमाला शैव और वैष्णव के बीच की अद्भुत कड़ी है। सबरीमाला में भगवान अयप्पन का मंदिर है। अभी पूछा भी गया एनटीपीसी एग्जाम में तो सबरीमाला में भगवान अयप्पन का मंदिर है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नटराज मंदिर कौन से राज्य में है। तो नटराज मंदिर भी आपके तमिलनाडु राज्य में हो जाता है। बात करें नटराज मंदिर की तमिलनाडु के चिदम्बरम में है नटराज मंदिर। चोल काल शासकों द्वारा 10वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ। भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नटराज मंदिर को अग्निमूल के नाम से भी जाना जाता है। मामल्लपुरम मंदिर कौन से राज्य में है। तो यह भी आपके तमिलनाडु राज्य में हो जाता है। मामल्लपुरम मंदिर की बात करें तो राज्य तमिलनाडु में है। इसके निर्माण करता है चोल 7वीं शताब्दी में पल्लव वंश को शासकों ने निर्माण कराया। अगर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर है दूर है। इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें कैलाश मंदिर कौन से राज्य में। तो कैलाश मंदिर भी तमिलनाडु राज्य में हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलाश मंदिर और तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में है। इसके निर्माणकर्ता जो है चोल 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश की राज सीमा द्वारा हुआ। चोल शब्द गलत टाइपिंग हो गया है तो ध्यान रखिएगा 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राज सीमा द्वारा यह इसका निर्माण कराया गया। अगला क्वेश्चन खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में है। तो खजुराहो के मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अर्धनग्न मंदिर भी कहा जाता है या सेक्स का मंदिर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अर्धनग्न तस्वीर छपी हुई है। तो खजुराहो के मंदिर कौन से राज्य में, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो मध्य प्रदेश में हो जाता है। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। इसका निर्माण 10वीं-12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कौन से राज्य में है। तो महाबली रथ मंदिर जो है वो केरल राज्य में है। महाबली रथ मंदिर से बात करें तो तमिलनाडु राज्य में है। निर्माणकर्ता इसके निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया। ध्यान रखिए पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया महाबलीपुरम मंदिर हिंदू धर्म को समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर कौन से राज्य में है। तो जगन्नाथ मंदिर आपके उड़ीसा राज्य में हो जाता है। इसका निर्माण अनंत वर्मन देव ने कराया। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काली मंदिर कौन से राज्य में। तो काली मंदिर जो है कोलकाता राज्य में सभी को पता है, पर इसलिए किसने बताया अभी कमेंट बॉक्स में बताइए। काली मंदिर की बात करें तो काली मंदिर राज्य कोलकाता में है। इसके निर्माणकर्ता जो है रानी दास मुनी, अभी हाल ही एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था तो इसका निर्माण जो है रानी दास मुनी ने कराया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सूर्य मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछते हैं सूर्य मंदिर कौन से राज्य में है। तो सूर्य मंदिर जो है आपके उड़ीसा राज्य में हो जाता है। सूर्य मंदिर जो आपके उड़ीसा राज्य में हो जाता है। इसका निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया। इसे कोणार्क मंदिर या ब्लैक पंगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। बहुत ही लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो इसे कोणार्क मंदिर या ब्लैक पंगोड़ा मंदिर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पद्मनाभा स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है। तो यह आपके केरल राज्य में है। इस मंदिर की बात करें तो केरल राज्य तिरुवनंतपुरम में है। 1733 में पुनर्निर्माण त्रावणकोर के राजा महाराज मार्तंड वर्मा ने कराया इसको। कैलाश मंदिर कौन से राज्य में है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है कैलाश मंदिर कौन से राज्य में है। तो कैलाश मंदिर जो है जाता है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। तो बात करें कैलाश मंदिर को, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में एलोरा की गुफा में मंदिर है। राष्ट्रकूट वंश के राजा नरेश कृष्ण के द्वारा कराया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोग इसको ज़्यादातर तमिलनाडु में लाके आते हैं। दशावतार मंदिर कौन से राज्य में है। दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। दशावतार मंदिर यह राज्य उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है। इसका जो निर्माण हुआ गुप्तकाल के समय में इस मंदिर का निर्माण हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर कौन से राज्य में। काशी विश्वनाथ मंदिर जो हो जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में है। बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर की तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है और महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन केदारनाथ मंदिर कौन से राज्य में है। तो केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड राज्य में है। बात करें केदारनाथ मंदिर की तो उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। इसके निर्माणकर्ता जो है पांडव वंश के राजा जनमेजय द्वारा कराए गए प्रसिद्ध राजा हैं। बद्रीनाथ मंदिर कौन से राज्य में है। तो बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो यह भी आपके उत्तराखंड राज्य में हो जाता है, पर इसके निर्माणकर्ता जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड राज्य में, अलकनंदा नदी किनारे यह मंदिर स्थित है, मंदिर है, और निर्माणकर्ता जो इसके हैं 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से राज्य में है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। बात करें इस मंदिर के बारे में तो ये राजस्थान राज्य के सिरोही जिलों के माउंट आबू नगर में है। इसके निर्माणकर्ता जो थे वास्तुपाल और तेजपाल नाम के शासकों के द्वारा 11वीं से 13वीं शताब्दी में हुआ। जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर है। अगला है स्वामीनारायण मंदिर कौन से राज्य में। तो स्वामीनारायण मंदिर जो है दिल्ली राज्य में है। इसे एक अन्य नाम अक्षरधाम नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है पशुपतिनाथ मंदिर कौन से राज्य में है। पशुपतिनाथ राज्य नहीं हुआ, किस देश में है। पशुपति मंदिर किस देश में है। तो पशुपतिनाथ जो है आपके नेपाल में स्थित है। बात करें पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में तो नेपाल के काठमांडू में है। 16वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल द्वारा कराया गया। अब कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो बात करें गोल्डन टेंपल की, तो गोल्डन टेंपल या स्वर्ण मंदिर, तो इसका यह जो है वो पंजाब राज्य में है। और सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर भी गुजरात राज्य में है। कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है, जो पहले हम्पी थी। कर्नाटक विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक में है। सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें तो सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में है। महाबोधि मंदिर की बात करें तो महाबोधि मंदिर बिहार में है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की बात करें तो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर की बात करें तो द्वारिकाधीश मंदिर जो है गुजरात में है। रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अबे आप आज की वीडियो से क्वेश्चन है इसका जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ भी जो पता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन आंसर का वेट करूंगा। तो आज की वीडियो से अच्छा क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कौन से राज्य में है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी उत्तराखंड। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बंदे।